अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम V2 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शिमशा आवान। नाज़रीन, वुमन एम्पावरमेंट का मतलब ना सिर्फ ख़वातीन को इकनॉमिकली डिपेंडेंट करना है बल्कि डिसीजन मेकिंग पावर में भी उसे लिबर्टी देना है ताकि वो अपने फ़ैसले खुद ले सके। आज की औरत ना सिर्फ घर के कामों को शाना बशाना जो है मर्दों के कर रही है बल्कि आपको प्रोटेक्ट भी कर रही है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज हो, क्रिमिनलिटी को कंट्रोल करना हो, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट हो या स्पेशल ब्रांच का कोई भी अंडरग्राउंड काम हो, खवातीन ने मर्दों के शाना बशाना काम किया है। और आज ऐसी ही एक खातून मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हें हम वेलकम करते हैं जिन्होंने अपनी 22 साल करियर में पुलिस के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को सर्व किया है। मेरे साथ आज मौजूद हैं DSP ऑपरेशंस पंजाब नूरीन रमज़ान साहिबा, जिन्होंने अपने 22 साल में पुलिस को सर्विसेज भी दी हैं बल्कि चैलेंजिंग का जो है वो सामना किया है। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि उनकी ये जो करियर है, ये जो ड्यूटी है, कितनी चैलेंजिंग थी। आइए हम उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम मैम। आप अव्वल तो आप हमारे शो में आई, कोरोना पेंडेमिक है, बड़ी एक सूरत हाल जो है बहुत नाजुक है। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि आज से अगर हम 20 से 25 साल पहले देखें कि आप जब पुलिस सर्विसेज आपने ज्वाइन की, तब इतना रुझान नहीं था लोगों का कि वो पुलिस सर्विसेज में, ख़ास तौर पे ख़वातीन जो है वो तो बिल्कुल ही एक समझा जाता था कि एक टैबो था कि ख़वातीन नहीं जा सकती। तो अब जो है एज़ अ पुलिस ऑफिसर आप काम भी करती हैं, तो ये इसके बारे में ज़रा गाइड कीजिएगा लोगों को कि पुलिस ऑफिसर जो हैं वो ख़वातीन भी हो सकती हैं और वो उसी तरह ही प्रोटेक्ट कर सकती हैं जैसे मर्द प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, जब मैंने ज्वाइन किया था उस वक्त पुलिस में लेडीज़ बहुत कम आती थी, बहुत कम रुझान था और बल्कि लोग बड़ा मायूब समझते थे इस चीज़ को जी। लेकिन मेरे फादर ब्रॉडबैंडी थे, उन्होंने इस चीज़ को फील नहीं था किया कि ख़वातीन नहीं कुछ कर सकती हैं। उनकी इंकरेजमेंट थी पुलिस डिपार्टमेंट में, वो कि मेरी फैमिली में कोई नहीं था पहले, लेकिन एक इंस्पायरेशन थी पुलिस डिपार्टमेंट से। और दूसरा, बाई चांस आई तो बाई चांस थी, लेकिन बाद में आके मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, क्योंकि मैं समझती हूँ कि एक तो पुलिस डिपार्टमेंट देखा जाए तो इबादत, अगर बिल्कुल, आप बिल्कुल। अपने तौर पे काम सही कर रहे हैं ना जी, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये एक नेकी है। आखिर अगर आप दूसरों के काम आते हैं तो ये बहुत बड़ा आपके लिए है कि आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है कि आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, दूसरों को प्रोटेक्ट करते हैं। ख़ासतौर पे हमारी जो फ़ीमेल हैं वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हैं जब हमारे पास आती हैं, जब वो अपनी बात बताती हैं। और वो कि हमारा ताल्लुक सिर्फ फ़ीमेल से नहीं है, जब हम फील्ड में होते हैं तो मेल फीमेल दोनों से होते हैं, लेकिन मेल के साथ भी हमारा अच्छा इंटरेक्शन होता है। और हमारा, क्योंकि सोसाइटी ऐसी है कि यहाँ पर ख़वातीन को रिस्पेक्ट दी जाती है, इसलिए वो अच्छा हमारे साथ, उनका बिहेवियर भी अच्छा होता है। अच्छा, और हम लोग कोशिश करते हैं कि जिस हद तक उनको रिलीफ दे सकते हैं दें अपने तौर। अच्छा मैडम, ख़वातीन के शोबा में आने से इस शोबा में उनके रवैयों में या लोगों के एटीट्यूड में क्या फ़र्क महसूस करती हैं आप? इसमें मैं समझती हूँ कि लोगों के लिए भी, जहाँ पर ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स मौजूद होती हैं, अगर वो अपनी कंप्लेनेंट के तौर पर या किसी भी मसले के लिए जाते हैं तो बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं। और फीमेल जहाँ पर होती है वहाँ पे वैसे ही एटमॉस्फेयर अच्छा हो जाता है। जैसे एक हमारी पुलिस डिपार्टमेंट में हमारी जो प्रोबेशनर ऑफिसर्स थी SSP तक गई, रिसेंटली तो हमारी CSP ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा आ गई, लेकिन पहले पाइनियर्स जो हैं वो हमारी प्रोबेशनर्स हैं। और उसके साथ साथ लेकिन CSP ऑफिसर्स आने की वजह से हमारे डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा हमें वो मिली है प्रोटेक्शन, एक फीमेल लेवल पर। और दूसरा ये है कि जब कोई लोगों को हम हेल्प करते हैं, या जैसे हमारी फीमेल SHOs रही हैं रंग महल में, गजाला शरीफ रही हैं, यकी गेट में अब्दुल बिल्कुल साहिबा रही हैं, तो वो सब जब मैं तो अपने तौर पे ये कहती हूँ कि अगर तमाम पुलिस स्टेशन में फ़ीमेल ऑफिसर्स लगा दी जाएं तो समझें क्या पूरा माहौल बदल जाएगा, एटमॉस्फेयर बदल जाएगा, लैंग्वेज स्टेटस जो बेहतर हो जाएगा, हमारे जो मेल सबॉर्डिनेट हैं बहुत अच्छा काम करेंगे, गो के वो डेडिकेटेड हों, एक तो डेडिकेटेड हों, और दूसरा ये है कि आपको थाना कल्चर जो एक बिल्कुल डिफरेंट नज़र आएगा वहाँ पर, आपको सफाई बहुत अच्छी नज़र आएगी और लोग जब आएंगे तो उसमें वो मेरा मतलब वो बड़े अच्छे एटमॉस्फेयर में जैसे उनको बात करने का मौका मिलेगा। और खासतौर पे लैंग्वेज जो है वो मेल की भी बदल जाती है, यूनिफॉर्म अच्छा हो जाता है, बिल्कुल, तो पूरा एक एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, पेट अंदर हो जाती है, मतलब एक टैबो बना हुआ है कि जो पुलिस ऑफिसर होगा और तुम्हारा पेट नहीं है, नहीं तुम पुलिस ऑफिसर नहीं हो, तो ये एक जो है माइंड शिफ्ट होगा। बिल्कुल। अच्छा, एक कहते हैं कि हरासमेंट फ्री इन्वायरमेंट जो है किसी भी खातून की
करियर में जब आपने आगे तरक्की करनी है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? आप इजीली काम ही तब कर सकते हैं जब आपको एक सेटिस्फेक्शन होगी, हैरेसमेंट फ्री एनवायरनमेंट होगा। हमारे जो डिप्टी स्पीकर स्पीकर रही हैं, हमारी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरीज हर पार्टी में मौजूद हैं, हमारी असम्बलियों में प्रोविंशियल और तमाम असम्बलियों में उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो मुनासिब है। इसके अलावा लोकल बॉडीज़ में उनको 33% उनको दिया गया है। और यही चीज़ें हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है तो वो काम कर सकें, और उसके लिए हैरेसमेंट फ्री एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। समझा जाता है कि औरत जो है वो उसके जो हाथ में ना एक हंडिया पकाने वाला कोई चमचा होगा या वो कुछ पका रही होगी, तो जब आपके हाथ में हंडिया पकाने वाले चमचे के अलावा एक राइफल होती है तो लोगों का क्या रिएक्शन क्या होता है आपको देख के? आप एक्साइटेड भी होते हैं, बहुत मेरा मतलब खुश भी होते हैं, और बड़ा एक हैरानगी से भी देखते हैं इस चीज़ को। लेकिन मेरे ख्याल में एक राइफल होना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि राइफल तो बेसिकली एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके हाथ में समझे एक लॉ दे दिया गया है कि आपने देखना है कि उसको आपने किस तरह से यूज करना है। ठीक है ना? तो मैडम कभी आपने ऐसा किया कि आपके सामने कोई आ गया हो या कोई किलिंग हो रही हो तो आपने किसी को मारा हो, ऐसा हुआ है कभी? नहीं, कभी ऑपरेशंस में या इन्वेस्टिगेशन में देखा है ऑपरेशंस में, लेकिन ऐसा खुद तो नहीं हुआ। खुद को आज तक नहीं, मतलब किसी को आपने अभी तक मतलब पुलिस मुकाबले में नहीं मारा अभी तक? अच्छा मैडम, आपने ऑपरेशंस में भी काम किया, इन्वेस्टिगेशन में भी किया, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में भी किया, स्पेशल ब्रांच में भी आपकी जो खिदमात हैं, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग एक औरत के लिए और या आप जो बजाते खुद आपने इतने डिपार्टमेंट्स में सर्व किया है अपनी लाइफ में, क्या चैलेंजिंग सबसे ज़्यादा काम था? देखिए, चैलेंजिंग जो होती है वो ज़्यादा फील्ड की ड्यूटी होती है। अच्छा। क्योंकि फील्ड में आपको फेस करना होता है जी, आपको लोगों को पब्लिक को फेस करना होता है, उसमें थोड़ा सा आपको चैलेंज फील होते हैं जी, क्योंकि जाहिर है हमारा जो सिस्टम है वो इतना एक्सेप्ट नहीं करता है जल्दी फीमेल को। लेकिन अब बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है, अब लोगों के जहनों में ये बात है, वो एक्सेप्ट करते हैं, उनको पता है। पहले तो जैसे आपने कहा कि आज से 20 साल पहले तो ये बहुत ज़्यादा अजीब सी बात होती थी, इवन मेरी फैमिली जो थी उन्होंने बहुत ज़्यादा अपोज किया था, ठीक है। लेकिन तो आज के दौर में ये चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप कहें कि फीमेल काम करने की, मैंने CTD में भी काम किया है, CTD में ये नहीं है कि ख़वातीन काम नहीं, वो अंडर कवर इंटेलिजेंस वर्क कर रही हैं और पूरी साइड बाई साइड मेंस के साथ हैं वो, मेंस के साथ। इसी तरह स्पेशल ब्रांच में इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, स्पेशल ब्रांच में हमारी मेरी SSP निदा जट्ठा साहबा थी, बहुत अच्छा मैंने उनके साथ काम किया है, और इस टाइम भी वो SSP एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर पंजाब लेवल पे काम कर रही हैं, तो वो पूरा उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को देखती हैं। हमारी आपने देखा होगा हमारा अतर साहिबा हैं, अनूश साहिबा हैं, तो वो फील्ड में दबंग ऑफिसर्स के तौर पर काम कर रही हैं। आजकल डॉल्फिन की हमारी वो SP साहिबा हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं अब चेंज हो गया है, लोग भी एक्सेप्ट करते हैं और हमें भी इजी हो जाता है। हमारे लिए बाहर निकलते वक्त हमें फील नहीं ज़्यादा होता है कि हम कैसे, और लोगों की हेल्प भी होती है सम टाइम आपके साथ। इसी तरह से जो SHO लेवल पे जब जाते हैं, मुश्किल होती है आपको थोड़ा सा जाहिर है, और उसमें ख़ास किस्म का मैं समझती हूँ ऐसा तबका है जो कभी भी फीमेल लगाई गई हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करता जी। वो एक्सेप्ट इसलिए नहीं करता कि उनका एक होता है ना टिपिकल सा बिहेवियर, उनको आदत होती है। उसमें पॉलिटिक्स को मैं ऐड करूंगी कि भी वो पॉलिटिक्स, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनको काम हमें शोबाजी की आदत होती है, वो थाने में जाते हैं, SHO के पास बैठ के ज़रा थोड़ा सा अपने लहजे में बात करते हैं, चार उन्होंने साथ वो वर्कर लिए होते हैं, तो वो जब फीमेल जब आती हैं तो उनकी वो चीज़ें नहीं चलती हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी में वो फिर थोड़ा सा ऐसे लोगों की बैक भी होती है, तो वो फिर ये चाहते हैं कि फीमेल ना हो तो बेहतर है। मतलब एक मतलब स्टेशन हाउस ऑफिसर में आपने पूरा एक इलाका कवर करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो ये उनकी कोशिश होती है कि एक औरत ना आए, क्योंकि हम जो है वो उस तरह अपने लॉ को या अपना बात को नहीं मनवा सकते। हाँ बिल्कुल, वो अपना बेसिकली अपना रवैया जो उनको एक बड़े डिसेंट वे में खवातीन से बात कर सकते हैं। मैडम जब हम छोटे होते हैं बचपन में, हम हमेशा से बच्चे जब होते हैं हम ये ख्वाहिश करते हैं जब हम बड़े होंगे तो हम अपने अब्बू की तरह डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, या हमारे अब्बू पुलिस में है तो पुलिस में जाएं। आपके बच्चों में एक मेंटल या शिफ्ट क्या आई है? आप वो बच्चे कहते हैं कि हम बड़े होकर अपने मामा की तरह पुलिस में जाएंगे, तो ये कैसा लगता है फिर? अच्छा लगता है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरी बेटी है 7 साल की, वो समटाइम ऐसा कहती है, बेटे हैं
वो अभी मैं लेकिन उनको कहती कि नहीं बेटा अभी आप डिसीजन जो है ना कुछ टाइम के बाद लें, फिलहाल आप सोचें जरूर, ठीक है, लेकिन समटाइम जब इंसान एक लेवल पे आता है ना तो फिर बच्चों को पता चलता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन करना इसमें कोई शक नहीं है कि मैं इसमें आपने सोसाइटी को चेंज किया है, उसकी परसेप्शन चेंज की है, आपने बिल्कुल बच्चों को सिखाया है कि ना सिर्फ आप अपने बाप की तरफ देख के आगे बढ़ सकते हैं बल्कि आपकी माँ जो है उसकी तरफ देख के भी अपना करियर को खास तौर पर आप चूज कर सकते हैं। वुमन एम्पावरमेंट आपकी नज़र में क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट जो बेसिकली है, मैं समझती हूँ कि इकोनॉमिकली वुमेन को एम्पावर करना है जी, इकोनॉमिकली, इसके अलावा उनको डिसीजन मेकिंग पावर देना है, उसमें लिबर्टी देना है, उसको फ्रीडम देना है जी, फैमिली और सोशल सतह पे भी उनको आज़ादी देना है जी, और वो अपने फैसले खुद कर सकें, उनको तालीम का हक देना है, और ख़ास तौर पर जहाँ पर आप इकोनॉमिकली अगर आप एम्पावर हैं ना तो आप समझिए कि वो जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की हम बात करते हैं तो वायलेंस खुद ब खुद कम हो जाता है, कम हो जाती है, उसमें एजुकेशन आपकी बेस है जी, इस्लामिक नॉलेज, और अगर इस्लाम को साथ रखा जाए तो इस्लाम हमें जो वुमेन एम्पावरमेंट सबसे पहले इस्लाम से मिलती है, बिल्कुल, ये तो वेस्टर्न कंट्रीज ने बहुत देर बाद ये स्टार्ट किया था, लेकिन इस्लाम जो है डे फर्स्ट से हमें वो वुमेन एम्पावरमेंट का तस्वीर देता है। विरासत में हक दिया गया है, जो हम कहते हैं कि विरासत में हक मिलना चाहिए, शोहर की बाप की दोनों तरफ से आपको हक दिया जाता है, इस्लाम की तरफ से ये है, खुला का हक है, तालीम का है, इसके अलावा आपको शादी के टाइम पे आपकी रजामंदी पूछी जाती है, बिल्कुल, तो कहीं पे भी इस्लाम में ये चीज़ नहीं है। आज हम देखें तो मिलिट्री में, आर्मी में, एयरफोर्स में हमारी वुमेन कमीशन ऑफिसर्स भी हैं, शाना बशाना मर्दों के साथ काम कर रही हैं, और कोई भी नेशन जहाँ तक मैं समझती हूँ कि आज जहाँ पर पाकिस्तान खड़ा है या जो इकोनॉमिकली हमारे हालात हैं उसमें आइंदा ख्वातीन के बगैर चलना मुश्किल है, मुश्किल, ये तो आज पाकिस्तान बनने से पहले कायदे आज़म ने कह दिया था कि किसी भी ह्यूमैनिटी की वेलफेयर जो है वो वुमेन को इम्प्रूव करने में है, और इसी तरह से है कि जो है ह्यूमन सोसाइटी इज़ अ कंपोनेंट ऑफ मेल एंड फीमेल, और जब तक नो बर्ड कैन फ्लाई विदाउट वन विंग, इसी तरह से जब तक औरत और मर्द साथ नहीं चलेंगे, और पाकिस्तान में जहां 51% पॉपुलेशन जो ख्वातीन की हैं, तो उसके लिए ज़रूरत है कि वुमेन साथ चलें। इकोनॉमिकली हमें स्टेबल होने के लिए, हमारी मुल्क की डेवलपमेंट के लिए, डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ चलने के लिए वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके लिए उनको जॉब में अपॉर्चुनिटी देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिज़नेस अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, रिसोर्स होने चाहिए, और ख़ास तौर पर हैरेसमेंट फ्री जो है एटमोसफियर इसकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच मैडम, आपने हमें इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच जी। तो नाजरीन, जैसे कि नौरीन साहिबा ने कहा कि अगर जो है ख़वातीन को हरासमेंट फ्री इन्वायरमेंट दिया जाए, अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ, तो वो जो है वो मर्दों के शाना बशाना काम कर सकती हैं, लेकिन मेरा कहना है कि वो मर्दों के शाना बशाना नहीं बल्कि उनसे भी आगे बढ़कर काम कर सकती हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, सेफ़ रहें, सेफ सिटी के साथ अल्लाह हाफिज़।